ओके, अगर तुम लोग स्टैन ऐप का यूज करते हो तो तुम लोगों को पता होगा कि स्टैन ऐप के अंदर तीन टाइप के कॉइन्स देखने को मिलते हैं, जेम्स कॉइन्स, फैन कॉइन्स और बोनस फैन कॉइन्स। बोनस फैन कॉइन्स और फैन कॉइन्स से हम किसी भी कार्ड को अपग्रेड करते हैं और अपग्रेड करने के बाद हमें जेम्स कॉइन्स मिलता है और जेम्स कॉइन्स से ही हम लोग रिडीम कोड ले पाते हैं। बात तो सही है, लेकिन बहुत सारे प्लेयर के पास जो है बोनस फैन कॉइन्स तो रहता है, लेकिन फैन कॉइन्स जो येलो कलर का होता है वो जो है कम रहता है। भाई मुंह की बात छील ले। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिला है, अगर आपके पास भी फैन कॉइन्स नहीं है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। मगर क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तीन ऐसे तरीका जिसका यूज करके आप बहुत ही आसानी से फैन कॉइन्स ले सकते हैं। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, कंप्लीट जानकारी आप सभी को इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी और एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा तीसरा तरीका और तीसरे तरीका में मैं आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट तरीका जिसका यूज करके आप लोग जो है ढेरों सारा यानी अनलिमिटेड फैन कॉइंस ले पाएंगे। तो एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको बोनस फैन कॉइंस लेने का भी एक सुपर ट्रिक बता दूंगा जिसका यूज करके आप बोनस फैन कॉइंस भी ले सकते हैं। अब चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले तरीके के बारे में जिससे आप सभी को फैन कॉइंस मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आप सभी को सबसे पहले तो 3D लाइन पर क्लिक करना है, आप सभी को ऊपर साइड में देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा एक ऑप्शन इनवाइट एंड अर्न, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारा ऑप्शन जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आप सभी का प्रोमो कोड यानी रेफरल कोड, साथ ही साथ व्हाट्सएप एंड शेयर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, स्टैन ऐप को आपको जो है अपने दोस्त के पास शेयर करना है व्हाट्सएप के जरिए या तो किसी भी सोशल मीडिया के जरिए कुछ इस प्रकार से। शेयर करने के बाद आपको जो है अपने दोस्त से बोलना है कि स्टैन ऐप को डाउनलोड करने और करें और मेरा रेफरल कोड यानी आपका जो है रेफरल कोड यूज करें। रेफरल कोड आपको कहाँ मिलेगा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो आपको कोड देखने को मिला है आप अपने मोबाइल में चेक कर लीजिएगा, दूसरा कोड आपको देखने को मिलेगा, इसी कोड को जो है आपको डलवाना है। उसके बाद होगा क्या, जब आपके दोस्त स्टैन ऐप को रजिस्टर करेंगे आपके रेफर कोड और आपके दिए गए लिंक से, आप सबको जो है 30 फैन कॉइन और साथ ही साथ 70 बोनस फैन कॉइन्स जो है मिलेगा, यानी 30 फैन कॉइन और 70 बोनस फैन कॉइन्स मिल जाएगा जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने इससे जो है लगभग 23,000 जो है कॉइन्स अर्न किए हैं जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं 23 के केवल रेफर से। अब चलिए हम बात कर लेते हैं दूसरे तरीके के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उससे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीसरा तरीका। तो तीसरा तरीका मिस मत कीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा। दूसरे तरीका के बारे में बात करें तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन कार्ड का नीचे में, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके पास जो है टोटल कितना कार्ड है जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपके पास जो भी कार्ड यानी एक ही प्लेयर के कार्ड दो होगा तो आपको जो है एक को सेल करना है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास जो है तेलुगु गेमिंग FF का दो कार्ड अवेलेबल है और एक कार्ड को मैंने जो है 10 लेवल पर कर रखा है जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। तो जो ये मेरा 1 लेवल का कार्ड है इसको मैं सेल करूँगा यानी बेचूंगा, बेचने पर भी आप सभी को कुछ फैन कॉइंस मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको जो है कार्ड वाले सेक्शन पर आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है सिंपली किसी भी कार्ड को सेलेक्ट करना है जिसको आप सेल करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा एक ऑप्शन ट्रेड कार्ड, ट्रेड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन ऑक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले तो लोएस्ट कॉइन्स रखना है, यहाँ पर आपको जो है डाल देना है 30, आपको जो अपने कार्ड के हिसाब से डालना है। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 200। ओके, यहाँ पर आपको जो है स्टार्टिंग प्राइस डाल देना है कि कितने से आप सभी को जो है स्टार्ट करना है इस कार्ड को और कितने से जो है आप सभी को एंड करना है यानी कितने तक जो है आपको इस कार्ड को बेचना है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं बिडिंग जो है 30 कॉइन्स मैंने रख दिया है इस कार्ड को और ऑटो सेल जो है 200 कॉइन्स यानी 200 कॉइन्स तक जो है हमें मिलेगा, जिसमें जो है स्टैंड ऐप के जरिए हमें 180 कॉइन्स इंस्टेंट मिल जाएगा जो कि रहेगा फैन कॉइन्स जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है गेट कार्ड पे आउट इन जेम्स इंस्टेंट, यानी होगा क्या, जस्ट आप इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका जेम्स में बिकेगा, यानी जो भी बंदा कॉइन्स से खरीदेगा लेकिन आप सबको जो है स्टैंड कार्ड के जरिए जो है जेम्स मिलेगा। यहाँ पर मैंने एक बार जो है सेल भी किया था। ओके, उसके बाद आपको जो है सिंपली कन्फर्म कर देना है एंड यहाँ पर आप जो है डेट एंड टाइम भी रख सकते हैं कि कितने दिनों के अंदर जो है आपका ये कार्ड सेल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 3 दिन रख देता हूँ, उसके बाद कन्फर्म। तो ये जो है आप ट्रेड जो है 10 बजे के बाद कीजिएगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं जो है 6 बजे जो है इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, सुबह के 6 बजे रहे टाइम। ओके, तो आप जो है 10 बजे के बाद जो है ट्राई कीजिएगा, आपका जो है कार्ड जो है
ट्रेड होने लगेगा यानी सेल होने लगेगा। ओके, अब चलिए हम बात कर लेते हैं तीसरे तरीके के बारे में। तीसरे तरीके में आपको कहना क्या है, सिंपली आपको कहना क्या है, यहाँ पर आपको जो है सिंपली देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन प्ले एंड अर्न। ध्यान से देखिएगा, इस पर आपको जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में देखने को मिलता है एक ऑप्शन टूर्नामेंट का, इस पर आपको जो है क्लिक करना है। फ्री फायर और पबजी, अगर आप दोनों में से कोई एक गेम खेलते हैं, या फ्री फायर खेलते हैं या पबजी, आप सबको जो है सेम ऑप्शन देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार का क्वाइंस जो कि आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है बहुत सारा जो है टूर्नामेंट। यहाँ पर जो है स्टैंड ऐप के जरिए टूर्नामेंट खिलाया जाता है। जो भी आप गेम सेलेक्ट कर रहेंगे स्टैंड ऐप के अंदर, फ्री फायर या पबजी, उससे रिलेटेड जो है टूर्नामेंट खिलाया जाता है। और टूर्नामेंट अगर आप जीते हैं तो आप सबको जो है क्वाइंस मिलता है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, एंट्री फी जो है फ्री है और आप सबको जो है 500 क्वाइंस मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे। तो सिंपली आपको जो है एंट्री फी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक ऑप्शन जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है अपना URID डालना है, गेम का यूजर नेम डालना है, और यहाँ पर आपको डिस्कॉर्ड का ID देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास डिस्कॉर्ड ID है तो आप जो है डिस्कॉर्ड ID यूज कर लीजिएगा। अगर आप डिस्कॉर्ड का यूज नहीं करते हैं तो आप जो है डिस्कॉर्ड का यूज मत कीजिएगा। यहाँ पर आपको जो है यूजर नेम और यूजर ID डालना है। यूजर तो आपको जो है गेम के अंदर मिल जाएगा, लेकिन यूजर नेम जो है बहुत सारे प्लेयर को जो है दिक्कत होता है कॉपी करने में। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, सिंपली आपको करना क्या है, आपको जो अपने मोबाइल के अंदर किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो है सर्च बार में टाइप कर लेना है गरेना सपोर्ट। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन FFsupport.garena.com, इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन साइनिंग का, साइनिंग पर आपको जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपका फ्री फायर अकाउंट जिस भी सोशल मीडिया से है, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, जिस भी सोशल मीडिया से है, उस पर जो है आपको क्लिक करके आपको जो अपना फ्री फायर ID जो है इसमें लॉगिन कर लेना है। और यहाँ पर घबराना नहीं है, ये जो है गरेना का ऑफिशियली साइट है। ओके, तो यहाँ पर मेरा गूगल से है तो मैं सिंपल से जो है गूगल पर क्लिक करके अपना ईमेल ID सेलेक्ट करके लॉगिन कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है ऊपर साइड में अब देखने को मिल जाएगा आप सभी का यूजर नेम। यहीं से आपको जो है अपना यूजर नेम को जो है कॉपी करना है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, ये रहा आपका यूजर नेम, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यूजर नेम में आपको जो है सेम टू सेम यूजर नेम डालना है। यानी अगर आप स्टाइलिश यूजर नेम रखें तो आप सभी को जो है इसी प्रकार से कॉपी करना है और URID आपको डालना है। उसके बाद आपको जो है कन्फर्म कर देना है आपका जो है यहाँ पर इसमें जो है ID लग जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार का ऑप्शन जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्राइज पोल। प्राइज पोल में फर्स्ट प्राइज रखा गया है 250 क्वाइंस, थर्ड प्राइज 100 और सेकंड प्राइज जो कि आप लोग देख सकते हैं 150। यानी इसमें आपको करना क्या रहता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हर BR गेम में, ये जो है BR गेम होगा सोलो का, और हर गेम में जो है आप सभी को टॉप 10 में आना रहता है। अगर आप बुइया करते हैं तो आप जो है रैंक 1 करेंगे, अगर आप बुइया नहीं करते हैं तो करते हैं, और जो बंदा बुइया कर रहा है सोलो में उसके हाथों तो अगर आप मारे जाते हैं तो आपका जो रैंक 2 रहेगा। यहाँ पर आपको सभी को पता ही होगा कि अगर आप 1 से 3 रैंक के बीच आते हैं तो यहाँ पर आप सबको जो है कुछ इस प्रकार का क्वाइंस मिलेगा। अगर आप 1 रैंक पर आते हैं, नहीं अगर आप बुइया कर लेते हैं, तो आप सबको जो है 250 क्वाइंस मिल जाएगा आपके स्टैंड ऐप के अकाउंट में। उसके बाद अगर आप थर्ड पर आते हैं तो 100 क्वाइंस, अगर आप सेकंड पोजीशन पर आते हैं तो आप सभी को जो है 150 क्वाइंस मिलेगा। और इसमें जो है एंट्री फीस 0 है। उसके बाद आपको जो है सिंपली ज्वाइन टूर्नामेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है सिंपली मैं जो है ज्वाइन हो चुका हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार का ऑप्शन जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप इसमें किल करते हैं तो आप सभी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बनेगा और आप जो है विनिंग करने के आपका जो है चांस ज़्यादा होगा। तो आप सभी को जो है एंड तक खेलना है कैसे भी करके, और आप सभी को जो है 3 से 4 किल तो निकालना ही निकालना है। और यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें जो है आप सभी को 48 प्लेयर देखने को मिल जाएगा, और ये जो है मैच सोलो रहने वाला है, यानी सिंगल मैच रहने वाला है। यानी आप जो है अपने टीम के साथ नहीं खेल सकते, केवल सिंगल आप सभी को जो है खेलना है। ओके, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसका टाइमिंग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है मैच शाम को 4 बजे स्टार्ट होने वाला है और ये मैच जो है 5 बजे स्टार्ट होने वाला है। तो इस पर भी मैं सिंपली जो है ज्वाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने जो है ज्वाइन कर लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें जो है यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा कैसे। यानी तो आपको करना क्या है, सिंपली जो है इसी पेज पर आ जाना है 4 बजे के करीब। एंड यहाँ पर आप सभी को जो है यूजर नेम और पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। ओके, मैंने जो है यहाँ पर रजिस्टर कर लिया है, सिंपली आपको जो है इसी पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको जो है यूजर नेम और पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। और साथ साथ इस टूर्नामेंट का कुछ रूल एंड नियम भी है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, रूल्स बहुत बड़ा है जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कि सबसे पहले तो अगर आप इसमें जो है विन करते हैं तो आप सबको जो है इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है व्हाट्सअप में
अपने प्राइज पोल का जो है दावा करना है कि हमने जीता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाएगा और ये जो है एक्चुअली व्हाट्सएप नंबर है। उसके बाद इसमें कुछ नियम है, जैसे कि इसमें जो है आप सभी को 30 लेवल से कम की आईडी जो है अवेलेबल नहीं हो पाएगी, यानी मानी नहीं जाएगी। आपका जो है 30 लेवल से ज़्यादा का आईडी होना चाहिए। साथ ही साथ आप जो है किसी भी प्रकार का हैक का यूज ना करें, एमुलेटर जो होता है चीटिंग वगैरह एप्लीकेशन उसका जो है यूज करके गेम में नहीं आना है, नहीं तो आप सभी को जो है गेम से निकाल दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को प्लेयर को जो है गाली गलौज नहीं करना है, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों जाइए, आप लोग जो है इस टूर्नामेंट में ज्वाइन हुई है और आप लोगों को जो है समय अनुसार जो है खेलना है और आप सभी को जो है ध्यान से खेलना है ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा किल कर पाएँ और टॉप 3 के अंदर आ पाएँ, तभी जो है आप लोग प्राइज जीत पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है केवल 3 ही लोगों को जो है प्राइज मिलेगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ओके, अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ बोनस फैन क्वाइंस का एक ट्रिक, जो कि आप लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फ्लैश रिवॉर्ड में। फ्लैश रिवॉर्ड में आप सभी को एक मिस्ट्री बॉक्स देखने को मिलेगा। ये मिस्ट्री बॉक्स जो है ओपन होता है हर रात 8:50 पर, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और पहले 1000 बंदों को जो है यहाँ पर एक अनलिमिटेड जो है क्वाइंस मिलता है। तो आपको करना क्या है, शाम को जो है 8:50 में ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फ्लैश रिवॉर्ड पर आना है, यहाँ पर आपको क्लाइम का ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लू कलर का, क्लाइम कर लेना है। उसके बाद जो है आपके अकाउंट में बोनस क्वाइंस मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको जो है 3 ऐसे ट्रिक बताया है जिससे आप जो है फैन क्वाइंस, और एक ऐसा ट्रिक बताया है जिससे जो है आप बोनस फैन क्वाइंस जो है ले सकते हैं। टूर्नामेंट के ऊपर जो है मैं एक और प्रॉपर वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको जो है खेलकर भी दिखाऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस रहता है। तो आप लोग जो है वेट कीजिए, आप जो है ट्राई कीजिए टूर्नामेंट खेलने का, नहीं तो आप लोग जो है वेट कर सकते हैं। ओके यार, चलिए फिर मिलता हूँ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आप सभी को जो है इस पर फ्री फायर, पबजी एंड साथ ही साथ स्टैंड ऐप से रिलेटेड जो है वीडियोज हमेशा देखने को मिलती रहेगी। चलिए मिलता हूँ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।